वेलकम टू हरेकृष्ण बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करिबा एसेप्टिक टिश्यू कल्चर टेक्निक्स बाबद रे। तेणु जो मैंने नुआक मो चैनल को आसी प्लीज सब्सक्राइब करूँ, तासी ता लाइक और शेयर करने को भूलु ना। भिडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तेणु आसतु डिस्कस करिबा एसेप्टिक टिश्यू कल्चर टेक्निक्स बाबद रे। सो एसेप्टिक टिश्यू कल्चर टेक्निक्स बाबद रे आम आरंभ करिबा। तो एसेप्टिक टिश्यू कल्चर कौन एवं ये जो टेक्निक्स रे हम जो प्लांट टिश्यू कल्चर कर था, तो से एसेप्टिक कंडीशन हमें किभली भाव में क्रिएट करवा बाय स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, तो से बाबद हमें ये देखिबा। सो एसेप्टिक टिश्यू कल्चर टेक्निक्स रे हम देखिबा जे एसेप्टिक कंडीशन कहले हमें बुझिबा जे फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एसेप्टिक कंडीशन हमें देखिबा जे जो कंडीशन रे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्री करा हेतिबो, तले माने फ्री हेतिबो मींस से जो जो कल्चर करा जातो से जगह रे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नथिबो। सो प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन रिक्वायर्स इन कल्चर रिक्वायर्स एसेप्टिक टेक्निक्स टू एनश्योर स्पेसिमेंट्स एंड इक्विपमेंट आर फ्रेश ऑफ कंटामिनेंट्स सच एज बैक्टीरिया फंजी एंड एल्जी। तेणु ये बैक्टीरिया फंजी एल्जी ये सब कंटामिनेंट्स पाखु जमी मानने रिमूव ये सब कंटामिनेंट्स रिमूव होकर रोथे जो जो आम इक्विपमेंट्स आम यूज करवा जो मैनिपुलेसन करवा तो से सब जिन मान कंटामिनेंट्स फ्री होता दरकार। दैट मीनस बैक्टीरिया फंजी एल्जी ये सब फ्री होता दरकार। सेमती एसेप्टिक टेक्निक्स कंबाइन प्रोटोकल टू रिमूव कंटामिनेंट्स फ्रॉम मटेरियल एंड प्रोसीड्यूर टू मेंटेन स्टेरिलिटी ड्यूरिंग मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल। तेणु जो मटेरियल आम मैनिपुलेट कर जो एक्सप्लांट को आम कल्चर पर यूज करे एनी जो जो इक्विपमेंट आम यूज करे तो सी सब जिन फुली फ्रेश रही दरकार। दैट मीन स्टेराइल होता दरकार जोटा कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस रे माइक्रोब्स रिमूव होता दरकार। सो द एसेप्टिक कंडीशन कैन बी मेंटेन्ड बाय यूजिंग स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स दैट इज सो से कौन दरकार ना एसेप्टिक कंडीशन आमर दरकार। तेणु ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस रे आम कौन कर मेंटेन कर तेणु ये प्रकार कंडीशन रे जो आम एसेप्टिक कंडीशन यहाँ दरकार जीतु जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हला माने कौन हम ना जो भी आम कल्चर करुवा तो सी नष्ट हो जाए तो से आम से जगह कहीं न्यूट्रिएंट मीडियम रही था तो जोटा कि मैंने इजिली से ग्रो करते तो से कौन सी माइक्रोब्स जमती से केस न रोहे। तेणु सेमती जो न्यूट्रिएंट मीडियम जो प्लांट मैंने मीडिया आम यूज करवा तो सी भी सेमती फुल्ले स्टेरिलाइज होता दरकार। सो टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन एक्सप्लांट एंड मीडिया एसेप्टिक कंडीशन टू बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस। तेणु ये माइक्रोब्स मानक ग्रोथ को इनहिबिट करवाई आम यू जिनस को आम फुली मेंटेन करवा दरकार जोटा कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आम मेंटेन करवा दरकार। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस तो आम आगे पढ़ा ता पूर्व आम जानवा जो कौ कौ सोर्स रु आम कंटामिनेशन कंडीशन क्रिएट होता है। तो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है कल्चर वेसल जो कल्चर वेसल आम यूज करवा तो से मे भी हो पारे कहीं ना किसी फंगस अच्छा जो थे सेमती ग्रो कर जाते जमी नॉर्मल आई को आमको देखा जाए जो बहुत पूरा फ्रेश जिनस अच्छी बट मे भी से कौन ना कौन फंगस ग्रो करें तेनालीटा को आम से फुल्ले स्टेरिलाइज करवा दरकार। सेमती न्यूट्रिएंट मीडियम जो न्यूट्रिएंट मीडियम आम यूज करवा तो से न्यूट्रिएंट मीडियम थ्रू रे भी हमारे चांसेस रही था। सो इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर जो टिश्यू कल्चर आम करवा समय जो इंस्ट्रूमेंट आम यूज करवा तो सी भी कंटामिनेंटर सोर्स हो पाए। तो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन फॉर एक्सप्लांट जो एक्सप्लांट भी आम यूज करवा सेमती चांसेस ऑफ फॉर कंटामिनेशन फ्रॉम ऑपरेटर जी ऑपरेट कर भी हमारे बहुत चांसेस रही था। सेमती जो लैबोरेटरी एनवायरनमेंट जदि ठीक ठाक न रोथ माइक्रोब्स ह्यूज अमाउंट पशि आसी पड़ो तेणु से केस कौन हम ना कंटामिनेशन हमारे चांसेस रही था। तो बर्तमान आम देखा
टाइप्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक और दैट इज स्टरिलाइजेशन प्रोसेस जोटा कि दुटा प्रोसेस एसेप्टिक टेक्निक कैन बी मेंटेन्ड बाय टू प्रोसेस सच एज वन इज द फिजिकल स्टरिलाइजेशन प्रोसेस एंड अदर इज द केमिकल स्टरिलाइजेशन प्रोसेस सो फिजिकल स्टरिलाइजेशन प्रोसेस आम आसवा सो इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस फिजिकल प्रोसेस लाइक मे बी हिटिंग इरेडिएशन फिल्ट्रेसन यू प्रोसेस थ्रू में कौन कराए ना फिजिकली माइक्रोब्स मानक स्टरिलाइज कर सेपरेट कराए थे सो प्रथम आम आसवा हिटिंग प्रोसेस सो हिटिंग कैन बी पॉसिबल बाय टू वेज वन इज द ड्राई हिट एंड अदर इज द मॉइस्ट हिट सो दिस प्रोसेस इज जोटा कि ड्राई हिट प्रथम आम देखा जो ड्राई हिट इज यूज बाय प्रोसेस रे यूज हुए टू स्टेरिलाइज ग्लासवेयर मेटल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा ड्राई हिटिंग इज एन ओवेन एट 160 डिग्री टू 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 hours अप्रोक्सीमेटली कैन किल द ऑल काइंड ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स तेणु जो पखापाखि 160 डिग्री रु 180 डिग्री भितर ओभेन रे 3 घंटा पखापाखि ग्लास वेयर इत्यादि जो सब आम मेटाल इन्स्ट्रुमेंट जो आम यूज करें रखा तो ये माइक्रोब्स गुड़ाक मानते कौन हो मरीजे सो इट कैन बी यूज फर स्टेरिलाइजिंग इट कैन नॉट बी यूज फर स्टेरिलाइजिंग एनी प्लास्टिक वेयर्स तो ये केस प्लास्टिक वेयर को यूज करें कहीं से तरल की पूरा पाउंस हो चांसेस रही तेणु मॉइस्ट हीट सेमती से केस्रे अकर्स अंडर स्टीम प्रेसर जोटा कि आम विशेष करके ऑटोक्लेव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉइस्ट हीटिंग इज ऑटोक्लेव और ए होम प्रेशर कुकर तो ये प्रेशर केते पाखापाखि ना 15 pounds पाखापाखि प्रेशर रही था 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रही था सो व्हिच विल मेंटेन टेम्परेचर अंडर 121 डिग्री सेंटीग्रेड रे कौन करा जाए ना ताको मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करा जाए जोटा कि कौन करे ना स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पाखापाखि 15 to 45 minutes 15 to 45 minutes पाखापाखि हेले ए केस्रे जो भी आम मेटाल इक्विपमेंट्स ग्लास वेयर्स इत्यादि यूज करे तो सी सब कौन है ना इजिली स्टेरिलाइज होता है देन नेक्स्ट आम आसवा दैट इज इरेडिएशन बाबद जो इरेडिएशन बाबद जी आम देखा जो यूवी रे एक्स रे एवं गामा रे विशेष मात्रा रे यूज करा जाए था तो विशेष करके यूवी रे ही विशेष भाव रे यूज करा जाए सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट हैव डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन डीएनए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कौन करे ना माइक्रोब्स मानक जो डीएनए ऊपर विशेष करके ये एक्ट करते जहाँ फल म्यूटेंट हो जाए एवं म्यूटेंट हवा फल कौन हो जाए ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किल होता है डेथ होता है सो इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन दिस रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द माइक्रोबियल सेल्स एंड इफेक्ट ऑन डीएनए बाय क्रिएटिंग म्यूटेशन एंड कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जोटा कि कौन करे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मारी दिए देन थर्ड प्रोसेस आम आसवा दैट इज फिल्ट्रेसन प्रोसेस सो फिल्ट्रेसन इज द प्रोसेस इज द बेस्ट वे ऑफ क्विकली स्टेरिलाइजिंग सल्यूशन विदाउट हिटिंग दैट इज बिना हिट प्रोवाइड करके आम कौन कर सल्यूशन को आम क्विकली स्टेरिलाइज कर द फिल्टर्स आर यूज ऑन दिस प्रोसेस कंटेन ए स्मॉल पोर डायमीटर थ्रू व्हिच माइक्रोब्स कैन नॉट पास जहाँ थ्रू में कौन हुए ना माइक्रोब्स पास हो पारे जोटा पाखापाखि डायमीटर आम यूज कर पोर साइज से 0.2 mm फर्म होता है जोटा कि नॉर्मली इतने बैक्टीरिया बैक्टीरिया विशेष करके पास कर पारे ना देन ये गला आम फिजिकल प्रोसेस देखिले हिटिंग रेडिएशन आउ फिल्ट्रेशन प्रोसेस आम देखिले ये थ्रू में आम कौन कर स्टेरिलाइज करमी केमिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस देखा जो केमिकल आम यूज करवा तो से केमिकल विशेष करके कौन करे ना स्टेरिलाइज करा जाए जो थे विशेष करके गैस और विभिन्न प्रकार केमिकल्स फॉर्म यूज करा जाए था द केमिकल्स यूज एज ब्लीज ग्लूटेन अल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड H2O2 70% इथानल सोडियम हाइपोक्लोराइड पोटासियम हाइपोक्लोराइड मर्क्यूरी क्लोराइड बाय HgCl2 एक्सप्लांट कैन बी स्टेरिलाइज बाय दिस केमिकल्स तेणु ये केस्रे ये विभिन्न प्रकार केमिकल जमीक ग्लूटन एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड 70% इथानल सोडियम हाइपोक्लोराइड पोटासियम हाइपोक्लोराइड मर्क्यूरी क्लोराइड ये सब प्रकार तुम जो केमिकल्स विशेष करके ये सब यूज करा जाए फॉर स्टेरिलाइजेशन सो दिस इज द एसेप्टिक कंडीशन ऑफ टिश्यू कल्चर
ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର।